हेलो दोस्तों, कार मेरे यार का आज का एपिसोड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में एक नई बात हम करने लगे हैं कि टाटा की जो आल्टोज़ है, यानी कि टाटा की पहली प्रीमियम हैचबैक कार है, उसके अंदर एक नया इजाफा किया गया है। एक वेरिएंट के अंदर उसके ऐसा इजाफा किया गया है कि जिससे वो थोड़ी सी और इकोनॉमिकल और वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन गई है। वो क्या है और वो इकोनॉमिकल पैकेज कैसे बन गई है, वो भी बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्लस साथ में एक और आपके लिए बोनस न्यूज़, टाटा की टोयोटा की जो मिड साइज़ की सेडान है उसके बारे में एक नई चीज़ें सामने आई हैं, जो कि है उसकी अपग्रेड के बारे में। जो उसका अपग्रेड आ रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, क्या वो गाड़ी कम्प्लीटली नई है या कुछ चेंजेस सिर्फ मिड लाइफ अपडेट वाले दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली बात करते हैं अल्ट्रोज़ के बारे में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। अल्ट्रोज़ अच्छे खासे ट्रिम के साथ, बहुत सारे वेरिएंट्स, बहुत सारे ऑप्शंस के साथ हमारे सामने पेश की गई है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही आते हैं। 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल, इनके अंदर कोई भी ऑटोमेटिक की सुविधा नहीं आती। क्या इसके ऑटोमेटिक के अंदर कुछ ऑप्शन दी गई है? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इसका दोस्तों एक एक्स टी वेरिएंट है, जो उस वेरिएंट को थोड़ा सा और अपग्रेड किया गया है। वो अपग्रेड है दोस्तों, उसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी साथ में शामिल कर दिया गया है। वैसे ये जो ट्रिम है इसके अंदर ये नहीं आता था पहले, ये सिर्फ एक्स जेड और एक्स जेड ऑप्शनल यानी कि एक्स जेड ओ तक सीमित थी ये वाली सुविधा। अब ये चीज़ इसके अंदर भी शामिल कर दी गई है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ है, इसके अंदर और बहुत सारी खूबियाँ आती हैं एक्स टी वेरिएंट के अंदर, जैसे कि 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और क्रूज़ कंट्रोल, LED DRLs, 16 इंच के अलॉय व्हील्स। तो ये सारी सुविधाएँ इसके साथ ऑलरेडी आती हैं, प्लस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें जोड़ दिया गया है। अब मैं इकोनॉमिकल की बात की थी मैंने, कि अब और भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गया। वो कैसे? इसकी कीमतों में कुछ भी इजाफा नहीं किया गया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल साथ में जोड़ने के साथ ही इसको उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर रखा गया है जैसा कि ये पहले आती है। अगर कीमतों की बात करूँ दोस्तों, तो एक्स टी वेरियंट जो पेट्रोल में आता है 684,000 रुपये का एक्स शोरूम दिल्ली है, और डीजल के अंदर 844,000 रुपये का आता है। अब दोस्तों, इसके अंदर एक एक्स टी ल्यूक्स नाम से भी वेरिएंट आता है, जिसकी की शुरुआती कीमत 7,23,000 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली है, और डीज़ल के अंदर 8,83,000 रुपये का ये पड़ता है। इंजन ऑप्शंस की बात करता हूँ दोस्तों, तो 1.2 लीटर का जो पहले इंजन आता है वही है। 85 BHP की पावर, 113 के टॉर्क के साथ ये गाड़ी जनरेट करती है, जो कि है पेट्रोल में। कीमतों की अगर बात करूँ तो इसकी कीमत 5,29,000 से लेकर 7,74,000 रुपये तक है। वहीं अगर डीज़ल की बात करूँ तो ये गाड़ी 1.5 लीटर की है, 89 BHP की पावर, 200 RM की टॉर्क के साथ जनरेट करती है, और ये है वही इंजन है जो नेक्सन वाला डीट्यून किया गया इंजन है। इसकी गाड़ी की कीमत 6,99,000 रुपये से लेके 9,34,000 रुपये तक जाती है। अब दोस्तों, इस गाड़ी के साथ बहुत सारी ऐसी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि इसके अंदर एक टर्बो इंजन आएगा पेट्रोल के अंदर, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एक नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि मैनुअल में है। डीजल के अंदर टर्बो इंजन है, जो कि नेक्सन वाला है, वो भी मैनुअल है, लेकिन कोई भी ऑटोमेटिक की सुविधा भी इसके साथ नहीं जुड़ी हुई। बट XT मॉडल को और थोड़ा एनहांस करना एक फ़ायदे का सौदा, XT जो वेरिएंट है वो और इकोनॉमिकल बन गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी, जो कि है टोयोटा की यारिस के बारे में। मिड साइज़ की सेडान है वो, इसके अंदर क्या खासियतें साथ में जोड़ दी गई हैं? ये दोस्तों गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के अंदर आती है। पेट्रोल के अंदर भी ये गाड़ी बेस वेरिएंट से ही मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ आती है। 2018 में गाड़ी को दोस्तों दिखाया गया था, काफ़ी सारी सुविधाएं अच्छी थी इसके अंदर, लेकिन ये गाड़ी कुछ खास नहीं कर पाई। अब इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें और चेंज हो जाएंगी, कुछ उसके बारे में बात करते हैं। फ्रंट का बम्पर काफ़ी रिवाइज कर दिया गया है, फ्रंट की ग्रिल चेंज कर दी गई है। टोयोटा की जो लेक्सस आती है उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होगी अब ये जो गाड़ी नहीं आएगी। हेडलैम्प्स, DRLs सब कुछ चेंज कर दिया जाएगा, नए तरीके का सारा कुछ आएगा इसके अंदर। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो साइड प्रोफाइल में कुछ भी खास चेंज होने के चांसेस नहीं है, सिर्फ एक
अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन को छोड़कर। रियर के अंदर मोर और लेस तकरीबन एक जैसी रहेगी, क्योंकि खास चेंजेस हमें नहीं नज़र आएंगे उसके अंदर भी। इंटीरियर के अंदर बात करें तो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाएगा। उसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधा वो साथ में दे दी जाएगी। अब इंटीरियर के अंदर कुछ और ज़्यादा कुछ डिज़ाइन चेंज कर दे, फैब्रिक के सीट्स के अंदर कलर चेंज कर दे, तो वो बड़ी बात नहीं होगी। बस यही कुछ चेंजेज होंगे, कुछ खास बदलाव इसके अलावा होने की गुंजाइश नहीं है। इंजन की बात करो तो 1.3 लीटर का इसके अंदर 4 सिलेंडर का इंजन आता है, जो कि 98 bhp की पावर 123 nm की टॉर्क के साथ जनरेट करती है, जो कि मैनुअल और CVT के साथ आता है। और दूसरा 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर 106 bhp की पावर 140 nm की टॉर्क के साथ जनरेट करता है। मैनुअल और CVT दोनों के अंदर ये भी इंजन पाया जाता है। अब इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं सेफ्टी के मामले में, नंबर वन ये गाड़ी में कह सकता हूं अपने सेगमेंट में, क्योंकि 7 एयरबैग्स, CVT के लिए पैडल शिफ्टर, ऑटोमेटिक AC, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, ये सारी सुविधाएं हमें मिल जाती हैं इस गाड़ी के अंदर। बहुत ही आरामदायक और एक बेहतरीन केबिन वाली गाड़ी है, अच्छे केबिन वाली गाड़ी है ये। कुछ खास इसको उपलब्धियाँ नहीं मिल पाई, कमियाँ बहुत सारी थी इस गाड़ी के अंदर, इसलिए इसको नहीं मिल पाई। सबसे बड़ी कमी इसकी लुक की है। अब उम्मीद करते हैं कि इसकी लुक थोड़ी अच्छी हो जाएगी और ये गाड़ी और ग्राहकों को और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने में सफल रहेगी। ये गाड़ी लॉन्च होने की दोस्तों संभावनाएं मेरे हिसाब से शुरुआती 2021 में होंगी, यानी कि तकरीबन कोई 6 या 7 महीने अभी और लग जाएंगे। और उसके बाद ये गाड़ी मुकाबला तो सियाज, नई सिटी, इन सारी गाड़ियों से इसका होगा, वरना से इसका मुकाबला होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये अपग्रेड करके भी ये गाड़ी क्या उस मुकाम तक पहुंच जाएगी जिसकी ये रियली हकदार है। बताइएगा दोस्तों कमेंट्स में, नीचे बात करते हैं। ये आपको क्विक अपडेट्स, क्विक रिव्यू कैसे लगे दो गाड़ियों के, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, लेन चेंज करते वक्त बहुत ध्यान रखें, पीछे वाले मिरर्स के अंदर देखकर तभी ध्यान से लेन बदलें। नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों जय हिंद।